वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, किसी वीर वालों एक सवाल पूछा गया सी भी जो असी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमयी बाणी का सहज पाठ करते हाँ, कि असी गुरबाणी का ये जो सहज पाठ है कि असी अपने घर विच बैठ के लैपटॉप या फिर मोबाइल तो भी कर सकते हैं, जां फिर सानू केवल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप की ताबिया बैठ के महाराज के स्वरूप तो ही करना चाहिए है, जां फिर दो भागा वाली गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन अमृतमयी बाणी दियां सेंची साहिब तो सानू सहज पाठ करना चाहिए है। तो साध संगत अज के इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह संगत दे नाल इसे ही सवाल या इसे ही टॉपिक के संबंध में कुछ विचार साझिया कर जा रहे हैं। तो आप समूह संगत को बेनती करना चाहाँगा अज के इस प्रोग्राम में शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो ते होरना संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो सत संगत जी, सब तो पहला तो मैं आप जी के चरणों में बेनती करना चाहाँगा, जिमें अक्सर करता हाँ, जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमयी बाणी के सहज पाठ की गल चलती है ना जी, तो मैं हमेशा सिख संगत को प्रेरणा दिना भी भाई जिन्होंने हाले तीकर अपने जूंदिया जी धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमयी बाणी का संपूर्ण सहज पाठ नहीं किया, भाई अपने जूंदिया जी एक बार गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमयी बाणी का सहज पाठ जरूर करो। गुरु साहिब जी की पावन बाणी का जिहड़ा सहज पाठ है ना, तुसी इनू इंज महसूस करो भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी का सहज पाठ करके असी समुची गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमयी बाणी का एक बार असी अखां दे नाल नेत्रां दे नाल ते अपनी सुरत दे नाल दर्शन जरूर कर लैंदे आ। सो जिन्होंने सहज पाठ नहीं शुरू किया वह सहज पाठ जरूर करो। रही ये विचार भी जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी का सहज पाठ है वह सहज पाठ असी कि लैपटॉप जां मोबाइल तो कर सकते हैं जां नहीं, मैं इत्थे भी बेनती करना चाहूँगा। हालांकि वैसे तो मैं इस टॉपिक ते इस सवाल के संबंध में पहला भी जिहड़ी आ वह संगत दे नाल जानकारी सांझी कर चुका वा, अज एक बार फिर तो तुहाडे नाल इह जानकारी सांझी करन जा रहा हाँ, इहनूं ध्यान नाल सुनो जी। देखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी का जिहड़ा सहज पाठ है, जे तुसीं मेरी मनो ते सानूं जिहड़ी आ सब तो पहला तो यह कोशिश करनी चाहीदी आ भी किन्ना चंगा होवे जे आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमयी बाणी का जिहड़ा सहज पाठ रखना है वह असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की ताबिया बैठ के यानी कि गुरु की गोद विच बैठ के तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी का असी सहज पाठ करिए। हाँ जेकर तुसी रोजाना गुरु घर विखे जा के गुरु साहिब की पावन गोद विच बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप तो सहज पाठ नहीं कर सकते, फिर मैं तुहानू ये सुजैसट करांगा भी तुसी एक काम करो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमयी बाणी दियां दो भागा वालियां जिहड़ियां सेंची साहिब ने वह बड़े आराम दे नाल मिल जांदियां वा, तुसी वह दो भागा वालियां सेंची साहिब अपने घर लैके आओ, गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप तो तुसी सहज पाठ आरंभ कर लो। सहज पाठ किवें आरंभ करना है ये मैं विधि तुहाडे नाल सांझी कर चुका वा भी कड़ा प्रसादी देग बना के छे पौड़ियां नाथ साहिब का पाठ करके अरदास करके हुकमनामा साहिब लैके असीं सहज पाठ आरंभ कर सकते हैं। सहज पाठ आरंभ करो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन स्वरूप तो ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਿੱਕਤ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਆ
वह भी प्राप्त नहीं हो पाती। हाँ उस कंडीशन दे विच मैं ये बेनती कर रहा भी उस कंडीशन में जे तुहानू दिक्कत आ रही है प्रॉब्लम आ रही है फिर तुसी साध संगत जी ये काम जरूर कर सकते हो। मैं ये बेनती करना चाहाँगा देखो जेकर गुरु घर तुहाडे घर तो बहुत ज़्यादा दूर आ कई किलोमीटर दूर आ फिर एक काम जरूर करो ऐतवार का दिन जां फिर कोई भी वीक दे विच छुट्टी वाला दिन कढ़ के एक दिन तुसी जिहड़ा है गुरु घर जाके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप तो जिहड़ा है वो एक दफ़ा गुरबाणी का सहज पाठ जिहड़ा है वो आरंभ कर लो। हाँ उस तो बाद घर आके जो तुसी लैपटॉप दे विच गुरबाणी ऐप जिहड़ा है डाउनलोड किया जिहदे विच संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी का पाठ होवे तुसी उस अपने लैपटॉप तो जां फिर जे तुहाडे कोल लैपटॉप नहीं है तुहाडे कोल एंड्रॉयड मोबाइल आ तो एंड्रॉयड मोबाइल दे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप नू ऐप रूप तुसी जिहड़ा उत्ते डाउनलोड किया होया फिर उस तो जिहड़ा है तुसी गुरबाणी का जिहड़ा सहज पाठ है वह लड़ीवार कर सकते हो। इहदे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आ कोई दिक्कत नहीं आ। हाँ बस गल मेन ये आ भी जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी का पाठ करना है चाहे लैपटॉप तो चाहे तुसी मोबाइल तो करना वा चाहे गुरु साहिब जी की पावन बाणी दीयां सेंची साहिब तो करना है बस मन दे विच गुरु साहिब दे प्रति अते अकाल पुरख परमात्मा दे प्रति भाव अते भावनी यानी कि गुरु साहिब का सत्कार अते गुरु साहिब जी का प्यार अपने मन विच बना के फिर तुसी गुरबाणी का जिहड़ा पाठ है वह करना है कितें ऐसा ना होवे क्योंकि एक ना हमेशा देखने विच दिक्कत आती है भी जदों असी मोबाइल तो गुरु साहिब जी की पावन बाणी नूं पढ़ते हाँ जां फिर असी लैपटॉप तो कई बार गुरु साहिब की बाणी नूं पढ़ते हाँ असी उस वातावरण कह लो या फिर उस जिहड़ा है जिवें असी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबियां बड़े सत्कार नाल चौंकड़ा मार के बैठते हाँ गल दे विच हजूरिया लैके बहने या फिर असी सेंची साहिब नूं प्रकाश करके जिवें उस ढंग तरीके दे नाल असी बैठ के गुरु साहिब की भाव भावनी मन विच रख के सहज पाठ करते हैं कई बार असी देखण विच आउंदा है भी मोबाइल तो उस ढंग तरीके नाल जां लैपटॉप तो उस ढंग तरीके दे नाल असी जिहड़ा है वह सहज पाठ नहीं कर पाते। सो इस वास्ते मैं तुहानू सब तो पहला यही प्रैफर करांगा सुजैसट करांगा भी सब तो चंगी गल आ जे तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन स्वरूप तो सहज पाठ करो जेकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप तो सहज पाठ नहीं कर सकते क्योंकि जिन्हां दे घरां दे विच तां महाराज का स्वरूप है या फिर जिन्हां दे घरां दे लागे बिल्कुल गुरुद्वारे साहब सुशोभित आ गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप तो सहज पाठ कर सकते हैं। जिहड़े नहीं कर सकते घरां दे विच सेंचियां लैके आओ सेंची नूं पहले भाग वाली सेंची नूं फिर दूसरी भाग वाली सेंची नूं प्रकाशमान करके उहदे तो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा सहज पाठ करो अते फिर जेकर बहुत तुहानूं दिक्कत आ बहुत प्रॉब्लम आ सेंची साहिब भी नहीं आ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पातशाह जी दी पावन बाणी दा स्वरूप भी तुहाडे घर च प्रकाशमान नहीं आ गुरु घर भी बड़ी दूर है। हाँ इस कंडीशन दे विच जिहड़ा तुसीं लैपटॉप तो अते मोबाइल तो भी जिहड़ा वह गुरबाणी का सहज पाठ कर सकते हो। हाँ भाई कर सकते हो तो जरूर करो जिहड़ियां सिख संगतां ने हाले तीकर गुरबाणी का सहज पाठ नहीं किया ना वो करना जरूर करो अपने जीवन दे विच जदों तुसी महाराज दी बाणी दा सहज पाठ करदे हो किद्दां गुरु साहिब दे नाल एक तां साडी नेड़ता बनदी आ फिर सानू गुरु साहिब जी दी बाणी दा प्रकाश करन आंदा वा हुक्मनामा साहिब लैण दी जाच आउंदी आ अरदास करन दी जाच आउंदी आ किन्ना सानू गुरु साहिब जी दे नेड़े होण दा जिहड़ा है वह वक्त मिलदा है तुसी अद्धा घंटा सहज पाठ करदे हो एक घंटा किद्दां गुरु साहिब दे नेड़े हो के असी महाराज जी दे विचरदे आ तो यही अज दे इस प्रोग्राम दे विच मैं तुहाडे नाल विचार जिहड़े आ उह सांझे कीते आ ते सारी सिख संगत नूं बेनती आ भी अज दे इस प्रोग्राम नूं वध तों वध सिख संगत नाल शेयर जरूर करियो तां जो देश परदेशां दे विच जिहड़ियां भी सिख संगतां ने गुरु साहिब दी बाणी दा सहज पाठ आरंभ करना है जां फिर आरंभ करन बारे सोच रहियां हन जां फिर जिन्हां दे मन विच इह गल है भी किवें महाराज दी बाणी दा सहज पाठ करिए लैपटॉप तों करिए मोबाइल तों करिए उहनां सिख संगतां तक इह जिहड़ा प्रोग्राम है जरूर पहुँचावो। सारयां दा तहि दिलों धन्नवाद कमेंट करके अपने विचार देना ना भुल्लियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।